So in this video, we are going to do step-by-step review of one of the most popular pre-workouts out there, which is none other than World Nutrition's pre-workout after using it for 1 month. मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगा कि 1 month के टाइम स्पेन में बोल्ट के इस प्री वर्कआउट को यूज करने से मेरे ओवरऑल वर्कआउट कैपेसिटी के अंदर क्या चेंजेस हुए, यानी मेरी स्टेमिना कैसे रहा, मेरा एंड्यूरेंस कैसे रहा, बॉडी के अंदर जो पंप आना चाहिए इसको यूज करने से वो सब कैसा रहा है, ओवरऑल वर्कआउट एज वेल एज वेट लिफ्टिंग कैपेसिटी में कोई एनहेंसमेंट हुआ कि नहीं हुआ, इस सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगा इन डिटेल। और इतना ही नहीं, हमने इसका लैब टेस्ट करवाया था, इसकी ऑथेंटिसिटी एज वेल इसके अंदर उन्होंने जो जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं उसका पता लगाने की, इसके मेट्रिक्स जानने के लिए। ऐसे ये लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि इन्होंने एलआरजीनेट प्रोडक्ट किया है, सिट्रुलिन प्रोडक्ट किया है, जो काफी ज्यादा कॉस्टली होते हैं, सो सब चेक करना जरूरी है। देखो, क्वालिटी इज ऑलवेज द किंग। और इतना ही नहीं, इन द एंड वी विल बी डूइंग अ बजट एनालिसिस कि अगर आपका बजट लो टू मीडियम चलता है ना, ₹1000 से लेकर ₹2000 तक, तब क्या आपको वर्ल्ड न्यूट्रिशन फ्री वर्कआउट से जाना चाहिए विल बी वैल्यू फॉर मनी और नॉट, इस पे भी हम बात करेंगे। इन केस आपको वर्ल्ड न्यूट्रिशन के इस फ्री वर्कआउट को ट्राई करना हो तो मैंने इसे खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं पैकिंग। हमने यहाँ पे बोल्ट न्यूट्रिशन प्री वर्कआउट की 300 ग्राम की पैकिंग लगाया था, जिसे हम लोगों ने 1 month तक ट्राई किया, एज वेल एज इसका लैब टेस्ट भी करवाया था, इसके सारे इंग्रेडिएंट्स एंड ऑथेंटिसिटी को जांचने के लिए। ये कम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स ऑफ दिस रिव्यू विच इज नंबर ऑफ स्कूप्स पर पैक, यानी बोल्ट न्यूट्रिशन प्री वर्कआउट की एक पैकिंग के अंदर हमें कितने स्कूप ऑफ प्री वर्कआउट देखने मिल जाएगा। सो ही है इनकी पैकिंग में मेंशन है दे आर प्रोवाइडिंग 30 स्कूप्स, बट हाँ इनकी पैकिंग है 300 ग्राम की, तो उसके हिसाब से ये कम लगा, बट डिपेंड करेगा इनकी स्कूप साइज के ऊपर, सो डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। हमारी अगली मेट्रिक से जाती है स्कूप साइज, यानी जो स्कूप प्रोडक्ट की है वो कितने ग्राम का है। देखो यही तो हमारी बॉडी पे काम करेगा ना। हियर बोल्ट न्यूट्रिशन वालों ने हमें 10 ग्राम की स्कूप साइज प्रोवाइड करी है, विच इज जस्ट फैबुलस, जहाँ बाकी ग्राम्स हमें मोस्ट ऑफ टाइम्स 5 to 6 ग्राम ही देते हैं बाकी के ब्रांड्स, वहाँ हमें 10 ग्राम दे रहा है, तो हेड्स ऑफ, काफी बढ़िया बात है, इसीलिए इसका नंबर स्कूप कम था। आवर नेक्स्ट मैट्रिक्स इज स्कूप पर सर्विंग, यानी एक बार का प्री वर्कआउट शेक बनाने में हमें कितने स्कूप ऑफ बोल्ट न्यूट्रिशन प्री वर्कआउट यूज करना है। हियर इनके पैकिंग मेंशन है दे आर प्रोवाइडिंग सिंगल स्कूप, तो भाई 10 ग्राम का है एक स्कूप भी, सही है। हमारी अगली मैट्रिक्स आ जाती है सर्विंग इन ग्राम, यानी एक बार की प्री वर्कआउट शेक में एक्चुअली हम कितने ग्राम ऑफ प्री वर्कआउट पाउडर कंज्यूम कर रहे हैं, वो भी हमारे बॉडी के अंदर जा करके काम करेगी, इलेक्ट्रोलाइट्स एज वेल एज इंपॉर्टेंट मैक्रोस एंड न्यूट्रिएंट्स हमें प्रोवाइड करेगी, जिससे हम वर्कआउट कर सके एफिशिएंटली। सो हियर इनकी पैकिंग मेंशन है दे आर प्रोवाइडिंग 10 ग्राम्स, काफी बढ़िया है। हमारी अगली मैट्रिक्स आ जाती है कैलोरीज, हियर इनकी पैकिंग पे मेंशन है दे आर प्रोवाइडिंग 8.8 कैलोरीज पर सर्विंग, जो कि हमारे लैब टेस्ट में भी 100% ट्रू पाई गई, विच इज 9 कैलोरीज। हमारी अगली मैट्रिक्स आ जाती है कार्बोहाइड्रेट्स, ये हमें देखने मिल जाते हैं 2.2, जो कि बढ़िया है, और ये जो हमें लैब टेस्ट में 2 आई है तो चलता है, तो 0.2 ऊपर नीचे। आवर नेक्स्ट मैट्रिक्स इज सिट्रुलिन, नाउ सिट्रुलिन प्री वर्कआउट्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एज यही होता है जो हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स एज वेल एज एटीपी प्रोडक्शन के अंदर एड करता है अकॉर्डिंग टू सम स्टडीज, तो ये होना बहुत जरूरी है, प्रीमियम क्वालिटी प्री वर्कआउट्स की पहचान एक तरह से देख सकते हैं अपने। सो हियर इनकी पैकिंग में मेंशन है दे आर प्रोवाइडिंग 2 ग्राम ऑफ सिट्रुलिन, जो काफी बढ़िया है, जहाँ बाकी के कुछ ब्रांड्स तो प्रोवाइड ही नहीं कराते इसे। सो हियर ये चीज हमें लैब टेस्ट में भी 100% प्रूफ आई गई है, तो दिक्कत की कोई बात। हियर कम्स द इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स विच इज क्रिएटिन, नाउ क्रिएटिन ओनली प्रीमियम क्वालिटी प्री वर्कआउट प्रोवाइड कराते हैं, आलू चालू तो दूर रहते हैं इससे। हियर इनकी पैकिंग में मेंशन है दे आर प्रोवाइडिंग 1 ग्राम ऑफ क्रिएटिन, जो काफी बढ़िया बात है, और इसे हमें लैब टेस्ट में भी 100% प्रूफ आई गई है। हमारी अगली मैट्रिक्स आ जाती है एल-टोराइन, नाउ एल-टोराइन हमारी बॉडी के अंदर जो स्टेमिना है उसको एनहेंस करता है, उसको स्टिमुलेट करता है, जिससे हम लोग अच्छे से वर्कआउट कर पाए और हम लोग लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम तक बिना थके वर्कआउट करते रहे। सो हियर इनकी पैकिंग में मेंशन है दे आर प्रोवाइडिंग 1 ग्राम ऑफ एल-टोराइन, जो काफी बढ़िया बात है, और इसे हमें लैब टेस्ट में 100% प्रूफ पाई गई है। हमारी अगली मैट्रिक्स आ जाती है नेचुरल कैफीन, नाउ नेचुरल कैफीन हमारी बॉडी को एक तरह से पंच देती है, जिससे कि वो जाग जाए, और जब बॉडी अच्छे से जाग जाती है, यानी हमारे ईच एंड एवरी सिंगल सेल्स एंड मसल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, तो हम लोग जो वर्कआउट करते हैं तो पंप हुआ एंड उसके रिजल्ट्स वो काफी अच्छे से मिलते हैं। सो हियर इनकी पैकिंग मेंशन है दे आर प्रोवाइडिंग 300 mg ऑफ नेचुरल कैफीन, जो काफी बढ़िया बात है, और इसमें लैब टेस्ट भी 100% प्रूफ पाई गई है। आवर नेक्स्ट मैट्रिक्स इज LRG9, नाउ LRG9 तो बड़े बड़े वे प्रोटीन्स वाले प्रोवाइड नहीं कराते, यहाँ पे बोल्ट न्यूट्रिशन ने तो अपने प्री वर्कआउट के अंदर भी प्रोवाइड करा के दिया है। सो ही है इनकी पैकिंग मेंशन दे हैव प्रोवाइडेड 1 ग्राम ऑफ LRG9, जो काफी बढ़िया बात है, और इसे हमें लैब टेस्ट में भी 100% ट्रू पाई गई है, और इसका जो फंक्शन है वो तो आप सबको पता ही होगा। आवर नेक्स्ट मैट्रिक्स इज GMO फ्री, तो ये वाला प्री वर्कआउट जेनेटिकली मॉडिफाइड तो नहीं है ना, जो इसकी परफॉर्मेंस को तो इंक्रीज करता है बट हमारी परफॉर्मेंस को लॉन्ग टर्म में खराब कर सकता है।
सो हियर इनकी पैकिंग में तो साफ साफ लिखा हुआ है दैट दे आर जीएमओ फ्री, और ये चीज़ हमें लैब टेस्ट में भी ट्रू पाई गई है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। हमारी अगली मेट्रिक सज जाती है ग्लूटेन फ्री, कहीं ये बोल्ड कर प्री वर्कआउट के अंदर ग्लूटेन तो नहीं है ना, एज प्री वर्कआउट में ग्लूटेन होता नहीं है बट फिर भी चेक करना है। सो ही इनकी पैकिंग पे साफ साफ लिखा हुआ है दे आर ग्लूटेन फ्री, और ये चीज हमारे लैब टेस्ट में भी 100% ट्रू पाई गई है। ये कम्स दी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स फॉर योर हेल्थ विच इज बैंड सब्सटेंस फ्री, कहीं ये वाला जो प्री वर्कआउट है इसके अंदर कोई डोप या फिर स्पाइकिंग तो नहीं करेगी ना किसी तरह की जो हमारी हेल्थ को खराब कर सकती है। सो ही इनकी पैकिंग पे हमें साफ साफ लिखा हुआ मिलता है दैट दे आर बैंड सब्सटेंस फ्री, और ये चीज हमारे लैब टेस्ट के अंदर भी 100% प्रूव पाई गई है। तो भाई ऑथेंटिसिटी के साथ साथ ट्रस्टवर्दीनेस भी है बोर्ड के अंदर। ही कम्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स विच इज हैवी मेटल्स फ्री, इस प्री वर्कआउट के अंदर ड्यूरिंग प्रोसेसिंग या किसी भी तरीके से लेड और एसिड से टॉक्सिक हैवी मेटल तो नहीं आ गए ना, ऐसे वो हमारी हेल्थ के लिए खराब करते हैं। ये इनकी पैकिंग की तो कोई इन्फॉर्मेशन लिखी भी नहीं है ना इनकी वेबसाइट पे, बट अकॉर्डिंग टू आवर लैब टेस्ट रिपोर्ट इट इज सेफ टू कंज्यूम, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो अब हम परफॉर्म करते हैं आपकी मेरी हम सबकी फेवरेट मैट्रिक्स यानी कॉस्ट पर सूप की कैलकुलेशन, मतलब एक सूप ऑफ गोल्ड न्यूट्रिशन के प्री वर्कआउट खाने में हमें कितने रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे इसकी कैलकुलेशन करते हैं। फॉर दिस कैलकुलेशन हमने फॉर्मूला यूज किया है करंट प्राइस ऑफ द प्री वर्कआउट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सूप्स पर पैक, जहां हमारा फर्स्ट वेरिएबल आ जाता है करंट प्राइस विच इज सब्जेक्ट टू चेंज इन फ्यूचर। अभी करंटली गोल्ड न्यूट्रिशन प्री वर्कआउट का प्राइस चल रहा है ₹679 ओनली। Our second variable is number of scoops per pack. Currently, इसके हमें अंदर 30 scoops दिखने मिल जाते हैं। Therefore, हमारा cost per scoop आने के case of Bolt Nutrition pre-workout ₹23 only. In case आप Bolt Nutrition इस pre-workout को try करना चाहते हो, तो मैंने इसे खरीदने का link description में दे दिया है। आप वहाँ से इसे online भी खरीद सकते हो। Less perform और budget less. यानी अगर आपका budget low to medium चलता है ना, ₹1000 से लेकर ₹2000 तक, या फिर आपका budget ना medium to high ₹2000 and plus. तब क्या आपको बोर्ड न्यूट्रिशन इस प्री वर्कआउट के साथ जाना चाहिए विल बी वर्थ फॉर योर मनी और नॉट। हियर बोर्ड न्यूट्रिशन इस प्री वर्कआउट का कॉस्ट पर स्कूप है ₹23 ओनली विच मेक्स इट अ लो टू मीडियम बजट प्री वर्कआउट। सो अगर आपका बजट लो टू मीडियम में चलता है ना 1000 से 2000 वाले बंदे हो, देन ऑल्सो यू कुड इजीली अफोर्ड इट। बात करें इसकी क्वालिटी की तो यहाँ पे हमें सिट्रुलाइन के साथ साथ क्रिएटिन और एलआरजीएन जैसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स देखने मिल जाते हैं जो हमें प्री वर्कआउट के दौरान वर्कआउट के अंदर हेल्प करते हैं, हमारी स्टेमिना को बूस्ट करते हैं और एज वेल एज हमारी ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करते हैं, जैसे अच्छा पंप आता है और मसल के अंदर अच्छे से स्ट्रेंथ बिल्डअप होती है। सो अलाउ मी टू शेयर विद यू माय पर्सनल एक्सपीरियंस आफ्टर यूजिंग बोर्ड न्यूट्रिशन प्री वर्कआउट फॉर 1 मंथ। सो 1 मंथ के टाइम स्पेन में इसने मेरे वर्कआउट के अंदर 4 चांद लगा दी। व्हाट आई मीन इज इसको यूज करने से एक जो प्री वर्कआउट के हिसाब से जो बॉडी में पंप आता है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स की सर्ज आती है, एटीपी रिलीज होती है, वो काफी अच्छे से होता है, ऑल थैंक्स गो टू इस क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स। और हाँ, इसके अंदर हमें देखने मिलता है जो कि है सिट्रुलाइन, जो काफी अच्छे से हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, एज वेल एज उनकी एब्जॉर्प्शन एंड कंजप्शन के अंदर भी इंप्रूवमेंट लेके आता है। बात करूं मैं फिजिकल एनहेंसमेंट्स की तो मुझे स्टेमिना के अंदर डेफिनेटली बूस्ट देखने मिला, जिसके वजह से ओवरऑल वर्किंग कैपेसिटी के अंदर मुझे इंक्रीज देखने मिला, जिससे मसल में पंप ज्यादा आया और मसल बिल्डअप एंड लीन मसल मास गेन होने में मुझे काफी ज्यादा हेल्प हो रही है। सो बात करेंगे इसको ओवरऑल रेटिंग देने की, देन आई वुड रेट इट 9 out of 10, बिकॉज इसके अंदर सारे क्वालिटी इंग्रीडियंट्स देखने मिल जाते हैं एज वेल एज बोल्ट न्यूट्रिशन के भरोसे के साथ, तो और क्या चाहिए। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ मेरा पर्सनल फेवरेट प्री वर्कआउट कौन सा है, जो मैं बहुत लॉन्ग टाइम से लेता हुआ आ रहा हूँ और उसके रिजल्ट्स मुझे हमेशा कंसिस्टेंट ही मिलते हैं। सो मेरा पर्सनल फेवरेट प्री वर्कआउट है वाइल्ड बग का हाइपर चार्ज। नाउ इसे मैं बहुत लॉन्ग टाइम से यूज करता हुआ आ रहा हूँ। नाउ इसको यूज करने से मेरी पीसी के अंदर काफी अच्छे से एनर्जी बूस्ट मिलता है और ड्यूरिंग वर्कआउट जो फैटिग हो जाता है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी से जो कमजोरी से आ जाती है, थकान आ जाती है ना, वो नहीं आती है और उसके अंदर काफी ज्यादा डिले होता है, तो ओवरऑल वर्कआउट काफी अच्छे से अनबैलेंस लेवल पे जाता है। सो इन केस आपको वाइल्ड बग के प्री वर्कआउट को भी ट्राई करना हो तो मैंने इसे भी खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। सो ये थी आज की हमारी वीडियो, आपकी स्क्रीन के ऊपर बेस्ट प्री वर्कआउट्स की प्लेलिस्ट चल रही होगी, वो आप देख लेना फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन और हेल्थ और फिटनेस रिलेटेड तो कमेंट करना मत भूलना। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू। जय हिंद, वंदे मातरम।